आइए मैं आपको बताता हूँ हमारी स्टाफ के अंदर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी तरह की वीकनेस होती है। उस वीकनेस को सामने लाना बहुत जरूरी होता है, जैसे दीपक तले अंधेरा। अपना ही वीकनेस को हम कैसे सामने लाएं? आज का जो सब्जेक्ट है, अपने वीकनेस को सामने लाइए। हर मिनट्स ऑफ मीटिंग में अपने वीकनेस को सामने लाइए। जब तक आप अपने वीकनेस को सामने नहीं लेके आते हो तो आपका ऑर्गेनाइजेशन जहाँ है वही बने रहेगा और उसके आगे नहीं जाएगा। हम बात करते हैं जैसे हमारा वीकनेस क्या है। पहला हमारा जो वीकनेस होता है, टाइम का मेंटेन नहीं करना। तो कुछ आदमी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है कि वो टाइम का बहुत पाबंद होता है। कुछ लोगों का होता है कि आपके ही स्टाफ में कुछ लोगों का वीक पॉइंट होता है कि वो टाइम का पाबंद नहीं होते। ठीक है, आगे बात करते हैं। जैसे मार्केटिंग वाला फर्स्ट टीम की बात करते हैं, मार्केटिंग में क्या क्या वीकनेस है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि वीक पॉइंट क्या है। जैसे कि हम किसी कस्टमर को कोटेशन देते हैं, अगर कोटेशन देते हैं तो उसको कितना फॉलो करते हैं। कोटेशन देने के बाद क्या फॉलो हम करते हैं, कितने बार फॉलो करते हैं, वो हमारा वीक पॉइंट होता है। ठीक है, दूसरा वीक पॉइंट होता है कि हमारे पास परचेज ऑर्डर आता है तो क्या परचेज ऑर्डर आते ही हम पीआई देते हैं। ओके, वो हमारा वीक पॉइंट होता है। पीआई देने के बाद क्या हम पीआई को जब जैसे ही देते हैं कस्टमर को, हम उसको फोन करके बोलते हैं आपको परफॉर्मा इनवॉइस भेज दिया, आप एक बार चेक करो, इसमें आपका सारा जितना भी डिटेल है, बिलिंग एड्रेस, डिलीवरी एड्रेस करेक्ट है कि नहीं है, और आपका ट्रांसपोर्ट डिटेल भी उसी टाइम पीआई के जीएसटी जैसे पीआई देते उसी टाइम आपको क्लियर कर देना चाहिए कौन सा ट्रांसपोर्ट में भेजने वाले हैं और उसका अप्रोक्सीमेटली अमाउंट कितना होगा। तो क्या हम ये कर पाते हैं? नहीं कर पाते तो हमको करना चाहिए। आगे बात करते हैं, आप किसी कस्टमर को क्रेडिट दे दिया, क्या आपने उसको कौन फॉलो कर रहे हो पेमेंट के लिए? नहीं करते, क्योंकि आपको आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाते हो पेमेंट, और कोशिश करो कि आप क्रेडिट ना दो। और क्रेडिट दिए तो आप कितने बार फॉलो करते हैं? जैसे आपका जो है, अगर फॉलो नहीं करते हो तो सपोज ये एक जार है, इस जार में आपका ये पानी है, पानी जब तक ये लेवल बना रहेगा, जब तक इसमें अगर हम इसमें से खाली करते हैं तो इसमें इनलेट भी होना चाहिए, आउटलेट करते हैं तो इनलेट भी होना चाहिए। अगर हम आउटलेट करते हैं, हम अपने सप्लायरों को पैसे देते जाएंगे और हमारे कस्टमर से पैसे नहीं आते तो जार खाली हो जाता। तो कोशिश करना चाहिए दोनों प्रॉपर, दोनों बैलेंस में चलना चाहिए। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो जार खाली हो जाएगी, आपके पास कंपनी में बजट नहीं रहेगा, आपको कंपनी चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए डेली इसको हमको, और हमारे अंदर क्या पेंडिंग वर्क है उसको डेली फोकस करना चाहिए। ये पूरा जो है हमारे मार्केटिंग टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है और अकाउंट्स वाले का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि उनको डेली किसका पेमेंट आने का है और क्यों नहीं आया, डेली उसको कॉल जाना चाहिए, डेली उसको रिमाइंड करना चाहिए। एक एक अलग अलग मैटर से कोशिश करके उसको निकालना चाहिए। जिस तरह से आपका हाथ जो है एक पत्थर के नीचे दबा हुआ है, क्रेडिट देने का मतलब कि आपका जो हाथ है एक पत्थर के नीचे ऐसा दबा पड़ा है, अगर इसको सावधानी से नहीं निकालते तो हाथ जो है आपको कट सकता है, डैमेज हो सकता है। तो आप क्रेडिट दे करके अपने हाथों को पत्थर के नीचे दबा दिए हो, उसको सावधानी से निकालना चाहिए। सावधानी से निकालने के लिए उसको ट्रैक करते रहिए और आइंदा याद रखिए कि कभी भी क्रेडिट के पीछे मत जाइए। हर इंसान
कोई भी क्रेडिट काम करने वाला बिजनेसमैन फ्लॉप हुआ है, कभी सक्सेस नहीं हुआ, ये ध्यान रखना है। तो आपने ये देखा कि हमको क्रेडिट नहीं देना है, और क्रेडिट वाइज कभी दे दिए, कभी भी याद रखिए, धोखा कौन देता है, आपको ठगता कौन है जो आपसे डेली मिलता है, डेली आपके संपर्क में रहता है, वही आपका सबसे बड़ा गद्दार निकलता है। जैसे आपका भाई है, आपका कोई रिश्तेदार है, कोई आपका दोस्त है, जो आपको मीठी मीठी बातें करता है, जिस जो आपका कस्टमर है, रेगुलर कस्टमर है, वही सबसे बड़ा गद्दार निकलता है, वही सबसे बड़ा आपके लिए बिजनेस के लिए माइनस पॉइंट होता है। तो आप याद रखिए, कभी भी नीट एंड क्लीन काम करिए, लेन देन जो होता है साफ सुथरा रहना चाहिए, आप या आपका फैमिली मेम्बर हो, या कोई रिलेटिव हो, या बिजनेस हो, कहीं पर भी ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। अगर एक हाथ से लेते हो तो एक हाथ से दूसरे देना चाहिए, एक हाथ से लो एक हाथ से दो, एक हाथ से लो एक हाथ से दो। अगर ऐसा नहीं, खाली लेने वाला ही अगर ऐसा मिल जाए तो आप कितना दे पाओगे। सब कोई भी इंसान हो, या कोई भी फैमिली हो, या कोई भी बिजनेसमैन हो, उसका जो बजट होता है उसकी आवश्यकता के हिसाब से होता, उससे ज़्यादा नहीं होता। इसलिए हमको क्रेडिट पर काफ़ी ध्यान देना चाहिए, ये हमारा काफ़ी वीक पॉइंट है। हम कभी इमोशनल होकर के किसी को क्रेडिट दे देते हैं, चलो हमारा रेगुलर। आपने काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल देखा होगा, और बहुत ऐसे कस्टमर जो हमसे कंटिन्यूस काम करने लगते हैं, तो हम उस पर आँख बंद करके भरोसा करने लगते हैं। बार बार वो मटेरियल देता है, बार बार पेमेंट करता है, जैसे ही आपको जहाँ भरोसा होता है वहीं पर आपको लोग ठग लेते हैं। जैसे कि द मेंटेनेंस बोल के था, एक और ग्राउंडिंग हो लेता था बिहार से, उसने ऐसा ऐसा कर्ज के हमारा 32,000 रुपया रोक दिया, और एक द मेंटेनेंस बोल के उसने 40-45,000 रुपया ले लिया, कि कृष्ण कृष्णा इंटरप्राइजेज, ऐसे ऐसे करके बाद में उसने काफ़ी पैसे रोक लिया, जैसे किया सारी इंफ्रास्ट्रक्चर बोल के है। तो आप बहुत सारे ऐसे जो रेगुलर आपके साथ काम करने लगते हैं, तो आप ज़्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, आपके लिए गड्ढा खोद रहा है। ज़्यादा हाथ आप ज़्यादा इसे हाथ डालोगे, ज़्यादा हाथ पसारोगे, तो आपका बैलेंस खराब हो सकता है। तो याद रखिए, बैलेंस बनाए रखिए, दोनों हाथ चलना चाहिए। कभी भी क्या आप एक साइकिल में अगर दो पहिए तो दोनों एक पहिए पर चल सकते हो ज़्यादा दिन? नहीं चल सकते। दोनों पहिए को बराबर बैलेंस में चलना चाहिए। उसी तरह अगर आपका परचेज है तो सेल भी बराबर होना चाहिए। परचेज सेल दोनों इक्वल चलना चाहिए। तो परचेज आपको कम हो, लास्ट में परचेज आपको कम होना चाहिए और सेल ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपको बेनिफिट होगा। उसी तरह से फैमिली में मियाँ बीवी होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, दोनों का विचार सेम होना चाहिए, दोनों में बैलेंस होना चाहिए, तो परिवार की जो गाड़ी आगे बढ़ती है। कि दोनों में अगर कोई भी डिप्रेशन हुआ, कोई भी टेंशन हुआ, तो फैमिली बिखर जाती है। उसी तरह से बिजनेस है, हमारा वीक पॉइंट को हम लोगों को दूर करना है। तो आज का जो पॉइंट था कि हमारे अंदर कितनी सारी वीक पॉइंट है, हम में अब आगे चलते हैं कि हम डेली एक ही रास्ते पर चलते हैं, डेली एक ही खाना क्या पसंद करते हैं। आज पूरे वर्ल्ड ग्लोबल है, वो बहुत सारा वर्ल्ड है, टोटल वर्ल्ड 700 समथिंग वर्ल्ड में कंट्री है। क्या उस कंट्री में आप डेली जाके आपको विजिट करते हो? आपको डेली जाके विजिट करना चाहिए कि ये कंट्री में क्या माइंस इंडस्ट्री है कि नहीं है, आयल्स इंडस्ट्री है कि नहीं है। हमारा फोकस होना चाहिए, एक ही किराना दुकान पर आप डेली सामान लेते हो तो किराना वाला आपको ठगने का कोशिश करने लगता है। एक ही मेडिकल शॉप पे आप डिपेंड हो जाते हैं तो बार बार वो आपको पैसे बढ़ा के लेना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको मालूम रहता है कि ये जाएंगे कहाँ, और उस वहाँ से ठगना आपको शुरू कर देता है। इसलिए मेरे दोस्त, अगर बिजनेस में बहुत आगे जाना है तो आपको डेली कुछ नए कस्टमर को सर्च करो, आप क्रिएटर बनो। आप क्रिएटर नहीं बनते हो, खाली फॉलो करते हो। आपकी कंपनी ने जितना सप्लायरों को अभी तक आपको, मैं पूछता हूँ आप लोगों से, क्या आपने कभी सप्लायर को सर्च किया? आप लोगों इतने साल से काम करते हुआ किसी नए सप्लायर को, क्या आपने सप्लायर को सर्च किया? नहीं किया। किसी नए आपके पास जो इंक्वायरी आती है उसी को फॉलो करते हो? क्या आपने किसी नए डायरेक्ट किसी सप्लायर कस्टमर को आपने सर्च किया अदर कंट्री में, अदर स्टेट में? क्यों? क्योंकि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह हमारे लिए रास्ता जो है ना, सब लोग आराम के रास्ते पर चलना चाहते हैं,
सब लोग एक के पीछे एक चलना चाहते हैं तो पीछे ही चलते रहेंगे, इसलिए आप अपना रास्ता बदल डालो, अपना वीक पॉइंट को वीक स्ट्रांग करने की कोशिश करो। अगर स्ट्रांग नहीं कर पाते हो तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हो। उसी तरह से जिस तरह एक भेड़ आगे जाती है पीछे सारे भेड़ जाती है, तो वही हम फ्लोर बन के रह जाते हैं, क्रिएटर बनना पड़ेगा। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी अपने वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार।